तो आज के श्लोक में ये बताया गया है, कलिम सभा जयंती आर्य, कलियुग का सम्मान करते हैं जो आर्य हैं, जिनकी ज़्यादा गंभीर बुद्धि है वे कलियुग का सम्मान करते हैं। तो कलियुग का सम्मान करते क्यों? कलियुग तो सबसे निकृष्ट युग है। सबसे बढ़िया युग कौन सा है? सतयुग। सतयुग सबसे बढ़िया युग है क्योंकि तो धर्म चारों पैरों से खड़ा रहता है। और उसके बाद त्रेता युग उससे कम है, बढ़िया है लेकिन सतयुग से कम है, उसमें धर्म के तीन पैर है, रहते हैं। और द्वापर युग भी अच्छा है लेकिन त्रेता से कम है, धर्म के दो पैर रहते हैं। और कलयुग में जो है धर्म का एक ही पैर रहता है, और कलयुग जैसे समाप्त होता है तो वो पैर भी समाप्त हो जाता है, धर्म के चारों चरण समाप्त हो जाते हैं। तो फिर कलयुग का किस कारण से सम्मान किया जाता है? कलयुग तो सबसे ज़्यादा निकृष्ट है, दोषों का भंडार है। इन्हें बताया गया है कि इसमें एक महान गुण है, उस महान गुण को अगर देखें तो उसके सब दोष दूर हो जाते हैं। कलियुग के बहुत महान गुण है, क्या है? संकीर्तन के द्वारा व्यक्ति जो है कलियुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो कलियुग का ये बहुत बड़ा गुण है। हम कहते हैं कलियुग का बहुत बड़ा गुण है, लेकिन कलियुग की बहुत बड़ी कमजोरी है। कलियुग की बहुत बड़ी कमजोरी है, जैसे बहुत बड़ा मान लीजिए कि पहलवान हो, बहुत बड़ा पहलवान हो, है ना, लेकिन कोई उसकी एक कमज़ोर नस होती है ना, कोई कमज़ोर नस दबा दो तो वो जो है गिर जाए। बहुत बड़ा पहलवान है, एक कमज़ोर नस होती है उसको आप पकड़ लोगे तो उसको आप पछाड़ सकते हो। तो कमज़ोर नस कौन सी कलयुग की? संकीर्तन। संकीर्तन अगर आप करते हैं तो कलयुग की इतनी बड़ी शक्ति है दोषों में, वो बहुत सबसे ज़्यादा बढ़ा है और सबको दूषित करता है, लेकिन फिर वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी जो है सब शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो कलयुग का ये बहुत बड़ा ये कमज़ोरी है, कलयुग इस मामले में बहुत कमज़ोर है। अगर आप इसका एक यही जो है कमज़ोर नस को आप पकड़ दी, कलयुग की कमज़ोर नस है, जैसे आपकी कमज़ोर नस मान लो यहाँ से पकड़ लो तो गिर जाओ, है ना, जबकि आपकी बहुत शक्ति है ना। इसी प्रकार से कलयुग की कमजोरी है ये, क्या? हरिनाम। हरिनाम अगर आप स्वीकार कर लो तो आप जो है बहुत आसानी से आप भव सागर पार कर सकते हो। फिर सतयुग में क्या है? सतयुग में हजारों सालों तक आपको एकांत में रह करके ध्यान करना पड़ेगा, बिल्कुल एकांत में रहो ध्यान करने के लिए हजारों सालों तक हैं। एकांत में रहोगे दो लोग भी साथ में नहीं रहेंगे, अकेले हजारों सालों तक ध्यान करना पड़ेगा। और खाना आप जो है ना तो बना सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं। जंगल में आपको पत्ते मिलते हैं तो वही खाओ, और पत्ते नहीं मिलते, पानी मिलता है तो वही पानी पियो, और पानी भी नहीं मिलता तो हवा पियो। इस प्रकार से आपको रहना पड़ेगा, तब आप जो है भगवत प्राप्ति करेंगे। लेकिन कलयुग में कुछ भी नहीं करना, केवल संकीर्तन। तो संकीर्तन इसमें क्या है? नाचा गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचो गाओ और भक्तों के संग में संकीर्तन करो। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, कृष्ण के नाम को उपदेश करो सबको उद्धार करो। तो कलयुग में जो है आपको ना तो जंगल में जाने की जरूरत है और ना इतना घोर तपस्या करने की जरूरत है। त्रेता युग में भी बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, कई दिनों तक वो यज्ञ चलते हैं और उनमें बहुत सी
शुद्ध सामग्री होनी चाहिए, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। द्वापर युग में भगवान की पूजा करना है तो पूजा के बहुत विधि विधान होते हैं, तो वो भी करने की जरूरत नहीं। कलयुग में हरि नाम के द्वारा ही आप शुद्ध हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। सतयुग में 10 साल में जो फल प्राप्त होता है त्रेता युग में 1 साल में प्राप्त हो जाता है, और द्वापर में 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, और कलयुग में 1 दिन रात 24 घंटे में वो प्राप्त हो जाता है। तो हरि नाम की शक्ति है बहुत, और समय भी बहुत कम है। कलयुग में हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, लेकिन थोड़े जीवन में जो है जो उपाय दिया गया है वो बहुत शॉर्टकट वाला उपाय दिया गया है। सत्यों में लंबा जीवन होता है तो लंबा उपाय भी आपको दिया जाता है कि इतने लंबे हजारों सालों तक आप जो है करोगे, लेकिन कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है। प्रायण अल्पायुषा यह शब्द है, कलावस्मिन योगे जना, तो बहुत थोड़ी आयु है लोगों की, मंदास मंद मती, और फिर में उसमें भी इतने लोग आलसी हैं और उनकी बुद्धि भी बहुत मंद है, मंद भाग्या भाग्य भी जो है साथ नहीं देता। तो ऐसे में कलयुग में जब इतनी इतनी असुविधाएं हैं तो शास्त्रों ने कलयुग में बड़ी सरल विधि बताई, हरि नाम की बड़ी सरल विधि बताई। तो अगर आप हरि नाम स्वीकार करते हैं तो आपकी बड़ी रक्षा होती है और बहुत सुरक्षित हो जाते हैं आप, और हरि नाम स्वीकार नहीं करते तो फिर नरक की प्राप्ति। कलयुग बड़ा खतरनाक है, तो बस एक जो है केवल उपाय है हरि नाम का, इस उपाय से आप जो है सुरक्षित होते हैं। इसलिए गुणज्ञा सार भागिना, इसलिए जो आर्य हैं जो गुण को समझने वाले हैं तो वे जो है कलयुग की प्रशंसा करते हैं कि कलयुग चारों युगों में सबसे अच्छा युग है। यत्र संकीर्तन सर्व स्वार्थ होते, केवल संकीर्तन मात्र से ही सब स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। इसमें आपको ना तो बहुत लंबी पूजा करनी है, ना बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, और ना जो है आपको एकांत में ध्यान करना है। भक्तों के साथ में रहो और जो है संकीर्तन करो, तो ये जो है कलयुग का जो है ये गुण कहो या कलयुग की कमजोरी कहो, कलयुग जो है नष्ट हो जाता है। हरि नाम संकीर्तन की शक्ति से कलयुग नष्ट हो जाता है, तो कलयुग इसको अपना गुण थोड़ी मानता है। ये तो कलयुग हरि नाम संकीर्तन तो कलयुग के लिए भारी प्रहार है। कलयुग तो अपने को जो है मतलब इसे डरता है, बहुत डरता है हरि नाम से। जहाँ हरि नाम कीर्तन होगा तो कलयुग जो है वहाँ से उसको भागना पड़ता है, उसका परिवार है ना, उसके परिवार को भी जो है फिर रहने की जो है जगह नहीं मिलती। तो ये जो है मतलब आनंद है, यही जो है बहुत बड़ा लाभ है। तो आप लोग हरि नाम को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। श्री हरि नाम विश्व हरि नाम चतुर्थ दिवस पंचम दिवस महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे